सबसे मस्त चीज़ ये भाई, इसमें चाय वगैरह पियेंगे, ठीक है, अच्छा लगता है ना इसमें। कटोरी तो गाइज यहाँ लगा रहे हम बैलेट भाई, एक मिनट भाई। तो गाइज रब का शुक्र है भाई, हमारी जान छूटी यहाँ से। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं, जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा भाई, हमारे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी यहाँ फैक्ट्री में, गाड़ी लोड ही नहीं हो रही थी भाई, और बार बार दिक्कत, कभी माल उतारो कभी चढ़ाओ, मतलब 3 दिन से यहाँ फंस चुके थे भाई। तो फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है लोड, क्योंकि भाई मैंने इनको बोला था आप अनलोड कर दो भाई अपनी गाड़ी, और साथ साथ में सोनू भाई की गाड़ी भी लोड हो चुकी है भाई। और यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो अपनी एक गाड़ी वहाँ खड़ी है और एक यहाँ। तो भाई इस फैक्ट्री में ना मत आओ, तो चलो आपको दिखा देते भाई, जो माल हमने लोड किया उसको स्ट्रिप पर मारेंगे, अच्छे से पकड़ के रखेंगे, पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं गाइस। और देख रहे हो ओल्ड इज गोल्ड भाई। तो गाइस इसके बाद है अपने बादशाह का नंबर, उसमें भी ये वाली पत्ती लगाएंगे, देख रहे हो भाई ने डबल वगैरह लगा लिया, हम भी ऐसे ही लगाएंगे डबल डबल करके, क्योंकि इससे ना ये खिलेगा नहीं, और भाई अगर ये वाली चीज नीचे से निकल गई ना एक बार, ये वाली सीधा कैबन तोड़ के बाहर निकल जाए, क्योंकि अपने बादशाह में ना इससे बड़े रूले डाले थे जम्मू में, तब भाई सेफ्टी नहीं थी और ना हमने उनको बांधा हुआ था, जैसे ये सोनू भाई ने इधर रस्सी भी बांध दी ना, हमने नहीं बांधा हुआ था, तो एक रूला निकल के ना वहाँ कैबन में लगा और कैबन टूट गया था मेरा, मेरी पिक जो पीछे लगी हुई थी, काफी भाई को ओल्ड ब्लॉग के देख के ना पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी का कैबन पहले और था अब और है, और यहाँ देखो एक टन का सोनू भाई, ये एक टन का है, हाँ देखना ये 1800 कुछ, मतलब 2 टन का मान के चल। हो चुकी अपनी गाड़ी लोड भाई, लोड हो चुकी है, अब गेट पे जा रहे हैं, और भाई डर लग रहा है गेट पे से वापस फिर ना भेज दे भाई, देखो यहाँ 3 चक्कर लगा चुका हूँ, अब अगर चौथी बार इन्होंने बोला ना तो समझ जाओ भाई, तो चलो चलते हैं यहाँ से गेट पे भाई। फाइनली भाई अपने बिल वगैरह मिल चुके हैं भाई, और आज डेट आई 12 डेट को मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ भाई। एक चीज मैंने सीख ली भाई, देखो यार सीजन में ना कलकत्ता मत आओ यार, मेरे से गलती हो गई भाई, मैं नहीं चाहता जो मेरे से गलती होगी मेरे भाइयों से होगी, इन बिल्लू ने बिल वालों ने ना बहुत ज्यादा तंग किया भाई, बहुत ज्यादा कसम से, इतना रोना है रात को यार, एक घर से फोन पे फोन करे जा रहे, दूसरा इनके ड्रामे, 6 क्वाइल डाली हुई, 1 क्वाइल डाल ली, 4 क्वाइलों का वेट करो, फिर बाहर गाड़ी निकालो, फिर अंदर ले आओ, ऐसा ऐसा करते करते ना बहुत ज्यादा सरदर्दी हुई, और ऐसा ना मैं एक बात बोलूंगा, मैं अभी मेंशन नहीं करूंगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा गाड़ी किसने लगाई कैसे भी, जो भी जंगलपुर जिंदल फैक्ट्री में कोई भी भाई नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ भाई, पंजाब वाले भाई कसम से रो रहे हैं, 6-6 दिन हो गए हैं भाई, फिर हो चुका अपने साथ धोखा बहुत बड़ा, क्या बताएं, क्योंकि जो कागज पत्र थे वेट वाला होता है इनका कोई पता समझ नहीं चलती, बहुत गंदी फैक्ट्री है, तो उसमें पता नहीं क्या था, क्या वेट कम है ज्यादा है कोई पता नहीं, आप बोलते जाओ अभी काम करो ये करो, या तंग हो चुके हैं ले लिए भाई ने बिल, यहाँ देख रहे छोटू भाई यहाँ पे, और ऑफिस रहा वहाँ का भाई, देख रहे हो जहाँ से वो बंदा जा रहा है वहाँ का ऑफिस, अपने दूसरी गाड़ी पीछे पीछे, तो उनका बिल लेट मिलेगा गाइज, और उससे पहले ना हम चलते हैं सीधा, टायर वगैरह हमारी गाड़ी का ना शायद एक में हवा कम है, एक मिनट रुक जा, तो चलो चलते हैं गेट से बाहर भाई, अब क्या लगता है गेट से बाहर निकल पाएंगे, मुझे नहीं लगता इस फैक्ट्री वालों का ना, इन फैक्ट्री वालों का मुझे भरोसा है, और बाकी रही बात ट्रांसपोर्टर की, चलो कोई बात नहीं भाई, ट्रांसपोर्टर से ना मैं खुद निपट लूँगा, कौन सा ट्रांसपोर्टर है क्या है उससे मैं खुद निपट, मैं अच्छा नहीं समझता भाई मैं उसका नाम लूँ और उसको बदनाम करूँ, वैसे तो ऐसे ट्रांसपोर्टर को बदनाम करना ही चाहिए भाई, क्योंकि जो सिर्फ अपने कमीशन का सोचते हैं ट्रांसपोर्ट वाले का नहीं सोचते। तो गाइस फाइनली भाई हम हो चुके हैं आज़ाद, अब कभी लाइफ में नहीं आएंगे इस फैक्ट्री में, छोटू भाई आए ना आए, लेकिन मैं नहीं आऊँगा भाई कभी भी, और बिल देख रहे हो कहाँ रखा है, सबसे बेकार बंदा ना मैं बोल रहा हूँ ये होगा यही पे। तो गाइस फाइनली भाई यू टर्न ले लिया, और यहाँ देख रहे भाई आज ना रोड खाली खाली है, क्योंकि गाइस हमें ना जल्दी निकलना पड़ेगा, और भाई ऐसा है कि जब नो एंट्री खुल जाएगी ना वहाँ से गीटी वाली मतलब पत्थर वाली गाड़ी जब आती है, पत्थर लेके छोटे छोटे पत्थर लेके आती है, तब उस गाड़ी की वजह से ना बहुत ज्यादा रश और जाम लग जाता है, तो छोटू भाई चल रहे हैं कंटिन्यू। तो गाइस यहाँ देख रहे हो भाई जुगाड़ वाली गाड़ी भाई की, देख रहे हो भाई ने गाड़ी जुगाड़ वाली बनाई हुई है। तो यार कलकत्ता में ना लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं भाई, सबसे बुरी चीज यहाँ के पुलिस वाले, मतलब बहुत ज्यादा लालची, बहुत ज्यादा भाई, छोटी सी गलती चाहिए उनको पैसों के लिए, छोटी सी गलती, और कलकत्ता में आने के लिए ना बहुत ज्यादा डर लगता है, एक तो धनबाद में और एक यहाँ कलकत्ता में, धनबाद में आते आते डर लगता है, क्योंकि भाई आरटीओ हाइट वाली गाड़ी पकड़ के ना चलान कर लेते हैं, जाते वक्त तो कोई टेंशन नहीं है भाई, तो चलो जाते वक्त हमारे पास हाइट वगैरह है ही नहीं, तो गाइस ये वाली चीज कमेंट करके बोलो भाई। शाम के 5 बज चुके हैं और आ चुके हम दानकुनी में, देख रहे हो अभी रोड वगैरह बन रही है भाई, थोड़ी थोड़ी मतलब जगह है रोड के लिए छोड़ी, और भाई आगे कच्चा रास्ता है, पुली वगैरह बन रही है इस रोड की, और अपना बादशाह यहाँ पे कर लिया पार्क, और उससे ना
भाई आगे रिस्क वाला माल लोड किया ना, और रिस्क नहीं ले सकते। तो चलो मैं और छोटू भाई करते हैं ट्राई भाई, इसमें बेल्ट वगैरह डाल के रखते हैं। पहले भी हमने बेल्ट वगैरह डाल के रखी हुई थी, और गाइस उन्होंने ऐसा किया कि माल चेंज किया और पूरी बेल्ट खोल दी। तो भाई अपने दाढ़ी और बाल भी ना बड़े गंदे गंदे से लग रहे हैं, अभी बड़े हुए हैं तो अभी कटवाए नहीं। तो चलो कटवाएंगे भाई, पहले चढ़ते हैं ऊपर बेल्ट फैक्ट्री के अंदर। कसम से गाड़ी में क्यों नहीं रखे एक दो? तो गाइस यहाँ लगा रहे हम बेल्ट भाई। एक मिनट भाई, ये चलो जी भाई यहाँ लगाएंगे बेल्ट। चलो यहाँ लगा ली बेल्ट, क्योंकि गाइस एक बेल्ट ना मैं वहीं छोड़ के आ गया भाई। देखो दिमाग काम ही नहीं कर रहा भाई, जब बंदा जल्दी में हो ना तब दिमाग काम ही नहीं कर रहा। देख रहे हो, और ये रखेंगे यहाँ पे भाई, क्योंकि बेल्ट है ना भाई ये मतलब मजबूत नहीं है इतनी, क्योंकि वो लोहा है भाई 5 टन, उससे मतलब ये चीज़ रोक नहीं सकती उसको। लेकिन फिर भी भाई सेफ्टी होती है। पहले यहाँ ये लगाएंगे, फिर रस्सा मारेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। आराम से। चलो भाई एक बेल्ट तो मैं वहीं छोड़ के आ गया। चलो शुक्र अपने सोनू भाई अभी वहाँ पे आए, उनको बोल दिया, उन्होंने बोला कि राजा भाई मैं ले आऊँगा, टेंशन मतलब भाई ये वाली चीज़ काम आएगी। तो भाई फाइनली हो चुके हैं अपना शीशा वगैरह रेडी, राजा भाई कर रहे हैं बेल्ट को भी दे सकते आगे अंदर की लाइट जगाई हुई। हो चुके अपना दुर्गापुर। तो भाई रात के बाद चुके हैं। राजा भाई टाइम क्या हो रहा है? 8:15 भाई, 8:15 बज चुके हैं। और अपना सफर रह गया यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर का। 50 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे झारखंड में। तो यहाँ चाय वगैरह पीते हैं, भाई को दे दी रेस्ट, भाई रेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम चलेंगे सीधा चाय वगैरह पियेंगे, फिर यहाँ से रखेंगे अपना। क्या अंदर रोल भी ठीक है? हाँ ठीक है ना, दिखा दिए वो? नहीं दिखाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, पहले चलो चाय पीते हैं। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं भाई, और हम पहुंचने वाले हैं झारखंड में भाई, अपनी एंट्री होने वाली है झारखंड में, और कलकत्ता को मतलब वेस्ट बंगाल को बोलने वाले हैं बाय बाय, क्योंकि गाइस अब टाइम आ चुका है यहाँ को बाय बाय। और भाई मैं ये वाला पल मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भाई। हमारे साथ ऐसा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कसम से। मेरा माइंड ना मतलब बार बार फैक्ट्री वाली की तरफ जा रहा है, मतलब जिंदल वाली फैक्ट्री जो है ना भाई, रब बचाए यार। मेरा एक दोस्त था 12 डायरी लेके वहीं बैठा हुआ है बेचारा, वो रो रहा, और सोनू भाई अभी तक वहीं है। गाइस ऐसा सीन अगर मैं सोनू भाई का वेट कर लेता, सोनू भाई को भी ये चीज़ पता थी, तो मैं शादी में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना है भाई, अपनी सिस्टर की शादी है, मौलम अपनी सिस्टर की शादी है, मुझे अर्जेंट जाना ही जाना है। तो अभी तक मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, मेरा भाई सो गया छोटू, पूरा दिन भाई खड़ा, पूरा दिन इधर उधर भागना रात से पूरा बिल के चक्कर में, ये तो भाई को भी पता था, राजा भाई को अर्जेंट शादी में जाना ही जाना है। पहुंचते बॉर्डर पे भाई, बॉर्डर वगैरह पार कर लेते हैं, देखते हैं आज हाइट है कुछ नहीं है भाई, फिर भी देखते हैं एंट्री आती है नहीं। तो चलो पहले ये वाली चीज पार कर लेते हैं। रात के 12 बज चुके हैं भाई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं झारखंड धनबाद पार करके। क्या नाम है चाचू जगह का? संकरडी नाम है। संकरडी भाई यहाँ रुके चाचू के पास, चाचू वहाँ पे सोए थे। देखो भाई अपनी मेहनत रात दिन जाग के कमाई कर रहा है बेटा, इसको बोलते हैं मेहनत, देख रहे हो ये होती है मेहनत। तो गाइस यहाँ पीते हैं पहले चाय, चाचू के पास मस्त चाय बन रही है अपने लिए, चाय बन जाए और चाय पियेंगे भाई इस कटोरी में, देख रहे हो यहाँ सबसे मस्त चीज़ ये भाई, इसमें चाय वगैरह पियेंगे, ठीक है? अच्छा लगता है ना इसमें कटोरी में, यह भाई देखो वन टाइम यूज़ किया फेंक। तो यहाँ बन रही है अपने लिए चाय, गाइस चलो चाय बन जाए। छोटू ने टायर वगैरह चेक किए, टायर भी ओके, तो चाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे एक ही बार भाई।